क्यों देख रहे हैं आप, क्यों देख रहे हैं ऐसे? मैं जानती हूँ कि ये कितनी कीमती चीजें हैं। जाने दो नाजली, तुम तो इसे खराब ही कर दोगी, फिर फरीद चचा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अपने काम पे फोकस करो बस। क्या हुआ? मैं बस अभी आया हूं, थक गया हूं, तुम लोग एंजॉय करो। आफरीन नाजली, ग्लास तुमने वहीं छोड़ दिया।
कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? ये तो तुम बताओगे मुझे। देखो, अगर तुम यहाँ से चले जाओ, किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम यहाँ आए थे। अगर फरीद साहब आए और उन्होंने देख लिया कि तुम घर में घुस गए हो और तुमने उनका वॉशरूम भी इस्तेमाल किया है, तो वो तुम्हें मार डालेंगे। चलो जाओ यहाँ से। फरीद मैं हूं और ये मेरा घर है। आप हैं? मतलब आप फरीद साहब हैं? तुम उस पार्टी में वेट्रेस थी ना, यहां क्या कर रही हो? हाँ, मुझे याद है आप। फरीद साहब, मैं बस जाने ही वाली थी, देर हो गई तो पता नहीं चला। हाँ, मगर मेरे घर में क्या कर रही हो तुम? आपकी शेफ नाजली। नाजमिया को क्या हुआ? वो मर गई। नाजमिया मेरी दादी का नाम है। जब वो वफात पा गई तो सबने मेरा नाम रख दिया मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पे, और मिसेज इकबाल मुझे नाजमिया पुकारती हैं। शुक्रिया उनका, लेकिन आप मुझे नाजली कह सकते हैं, ऐसे आसान है। तो वो खाने तुम बनाती हो? जी हाँ। और वो खत भी तुम लिखती हो? जी हाँ, लेकिन वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए लिखती हूँ। फरीद साहब मुझे माफ कर दें, मुझे यहाँ से पहले चले जाना चाहिए था। मुझे मिसेस इकबाल ने कहा भी था कि फरीद साहब के आने से पहले चली जाना। मैं हमेशा चली जाती हूँ, लेकिन आज मेरे फोन का टाइम खराब है, उसी ने गड़बड़ कर दी। खाना बनाने में और घर की सफाई करने में मुझे वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। सफाई? वो भी मैं ही करती हूँ। फरीद साहब, मैं जानती हूँ कि मैंने अच्छा नहीं किया, सारा कसूर मेरा ही है। मैं मिसेज इकबाल से बात करूंगी, जब तक नया कुक नहीं आता मैं रुक जाऊंगी। अगर तुम्हारा काम ज्यादा हो तो मिसेज इकबाल को बता दिया करो, मुझे मालूम होना चाहिए कि घर में कौन है। अब दोबारा हलवे में किशमिश बिल्कुल मत डालना, मुझे पसंद नहीं। ठीक है। तुम क्या करने आई हो आलिया? तुमसे मिलने आई हूं। तुमने कॉल क्यों नहीं की? तुमने तो ये कहा था कि तुम मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती हो। हमने कई दफा ये बातें एक दूसरे से पहले भी की हैं। तो क्या तुम अब सीरियस हुए हो? वैसे ही इतनी पी रखी है, और क्यों पी रही हो? जब तुमने सब कुछ खत्म कर दिया, सारा सामान उठाकर यहां से चली गई, तुमने तो तारिक को चाबियां भी नहीं दी थी आलिया। हाँ, शायद मैंने उस चाबी की कॉपी बनवा ली हो। हमारा प्यार भी कॉपी है। वैसे ये गाने के लिए अच्छी लाइन होगी, तुम्हें ये लिख लेना चाहिए। तुम मुझे मजबूर कर रही हो ताले तब्दील करने पर। तुम इस घर के ताले तब्दील कर सकते हो, लेकिन मेरे दिल के ताले तब्दील नहीं कर सकते। चाबी डोरमैट के नीचे है और हम एक दूसरे के सामने डोरमैट हैं।
ये कैसी तहरीर है? तुम्हें पता है क्या हुआ? उसने हाथ में रॉड उठाई और मेरा सर फाड़ने वाला था। अगर वो मार देता तो मेरा दिमाग खराब हो जाता। उफ, अल्लाह ने बचा लिया। लेकिन वो सही था, मेरे ख्याल से डर गया था क्योंकि उसे पता नहीं था। कितनी छोटी दुनिया है ना नाजली। उस आदमी ने उस ब्रेसलेट के लिए कितने पैसे भरे यार, मुझे पता होता तो मैं और मांग ली थी। तुम पागल हो गई हो क्या? अगर मुझे पता होता कि वो फरीद साहब है तो मैं कभी उनसे पैसे ना लेती। मैं इससे कुछ कह रही हूँ और ये मेरी बात ही नहीं सुन रही है। नाजली, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है, मैं मर जाऊंगी अगर मैंने नहीं देखा तो। क्या नाम था उसका? फरीद। पूरा नाम क्या था? क्या था, रुको, नहीं याद नहीं आ रहा। उस तकरीब में हम लोग साथ गए थे ना? हाँ, तो वहीं से पता लगेगा कि वो किसने ऑर्गेनाइज की थी। तुसुला होल्डिंग, फरीद असलान और दमीर काया। खैर, फरीद असलान के बारे में ज्यादा तो नहीं लिखा है। शायद उसे ज्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं है। वो सबसे अमीर बेहतरीन कवारा है मुल्क का। क्या बात है यार, क्योंकि वो बहुत हैंडसम है। और तुम मानती हो कि वो पुरकशिश है? यार फतोश, तुमसे तो कोई बात ही नहीं की जा सकती। जो उसके साथ है उसके लिए अच्छा है, तुम्हें क्या? यार मैं बता रही हूँ ना तुम्हें, सिंगल है वो। जाओ पटा लो उसे। अब क्या हर चीज बतानी होगी नाजली। उफ, इसकी पिक्चर्स तो देखो जरा। वैसे आपा, ये लड़का बहुत हॉट है। मैं यहाँ हूँ। मैंने देख लिया, खुश आमदीद। हेलो, ज़ैनब साहिबा और दमीर साहब आज एक शादी में जा रहे हैं तो इसीलिए बलूद को मैं यहाँ ले आया। असल में मैं आपसे एक फेवर चाहता हूँ, जब तक फरीद साहब ना आ जाएं रात तक, आप बलूद के साथ वक्त गुजार सकती हैं? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? परेशान ना हो, मैं देखता हूँ। ठीक है, मैं संभाल लूंगी, कोई बात नहीं। गुड लक, फिर मिलते हैं। बुलूत, चलो मिलके खेलते हैं। मैं टैबलेट से खेल रहा हूँ। टैबलेट से भी कोई खेलता है? चलो कुछ और खेलते हैं। चलो, अरे जरा यहाँ देखना बुलूत। अब देखे मैं क्या करता हूँ। बस रुक जाओ, काश तुम टैबलेट से ही खेल लेते। तुम बच्चे नहीं, जानवर हो। मामू भी मुझे छोटा जानवर कहते हैं। मुझे लगता है इस घर की हालत देखने के बाद वो तुम्हें क्यूट नहीं कहेंगे। चलो हम कुछ और खेलते हैं, लेकिन पहले सफाई करेंगे। क्या हम बाग में घर बनाए? घर मेरा मतलब टेंट। ठीक है, लेकिन पहले ये कमरा साफ करेंगे। और ये सब हमारा राज रहना चाहिए। राज रहेगा। ताली। चलो मैं सफाई कर लूं। हेलो तंजू, क्या हुआ, कैसी हो और सब कैसा चल रहा है? बहुत खूब यार, मुझे तुमसे एक बात करनी थी कि क्या अभी भी तुम्हें किसी म्यूजिशियन की ज़रूरत है? यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है तुमसे। यार असल में एक लड़की है आलिया, अच्छी आर्टिस्ट है, अच्छा परफॉर्म करती है। हफ्ते भर का ट्रायल ले लो उसका, अगर बेहतर लगे तो उसको परमानेंट कर देना। फिर क्या ख्याल है?
हाँ फरीद। फरीद। हाँ। दमीर और मैं आज रात शादी पर जा रहे हैं जिसका तुम्हें बताया था। प्लीज मुझे इन सबसे दूर रखें तो बेहतर है। तुम नहीं आओगे इसीलिए तुम्हें साथ आने का नहीं कह रही। बुलुत तुम्हें बहुत याद करता है और मिलने का भी कहता है तुमसे। जानता हूँ और मैं भी उसे बहुत मिस करता हूँ। ठीक है उसके साथ कुछ वक्त गुजारो बाद में तारिक उसे ले लेंगे। और हाँ मिसेज नागातानी भी आ रही है टोक्यो से इस जुम्मे को। हाँ पता है। तुम उनके सामने अच्छे मेजबान बनना समझ रहे हो ना। हाँ जाहिर है। अब बाग में कॉफी पीना एक रस्म है। वाह क्या रस्म है। भाई वाह घर अच्छा दिख रहा है। सच में मुझे भी उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा हो जाएगा। अब हम दोनों गेम खेलते हैं। एक काम करते हैं मैं चोर बन जाता हूँ और आप पुलिस बन जाओ और मुझे पकड़े ऐसे बहुत मजा आएगा। हाँ बुलुत जान ये खेल में इतना अच्छा नहीं खेल पाती मगर हम कुकीज बना सकते हैं अगर तुम चाहो तो। और कुकीज भी चॉकलेट चिप वाली। चॉकलेट चिप कुकीज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन हम वापस आकर ये गेम जरूर खेलेंगे ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है। यहाँ आओ मेरे हैंडसम भांजे। मामू का इकलौता भांजा क्या कर रहे हो तुम। हाँ मेरे प्यारे मामू मैंने आज नाजली के साथ बहुत मजे किए। वाकई मुझे अपना हाथ दिखाओ। लेकिन तुम्हारे हाथ तो गंदे हैं। जाओ हाथ धो के आओ। जाओ जाओ ठीक है जाओ। हाँ तो नाजमिया घर को ऐसा होना चाहिए। वो खेलते खेलते थोड़ा खराब हो गया मैं भी साफ कर देती हूँ। बच्चे हैं गंदगी तो करते हैं लेकिन तुम्हारा काम घर को साफ रखना है। तुम्हें बताया नहीं किसी ने कि जब मैं घर आऊँ तो घर साफ होना चाहिए। जी बताया था। इसमें कौन सी बात समझ नहीं आई। मैं समझ गई फरीद साहब माफ कीजिएगा। नाज़ली क्या तुम उदास हो। थोड़ी सी। मामू कभी कभी गुस्सा करते हैं लेकिन वो एक अच्छे इंसान है पता है तुम्हें। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि उन्हें हंसाना कैसे है। मेरी जान ब्लू तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो क्या है। तुम जाओ मैं आता हूँ। नाज़मिया ब्लूथ हमारा मेहमान है क्या आप देर तक रुक सकती हैं यहां पर। प्लीज ठीक है रुक जाऊंगी। ओवरटाइम के पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। जरूरत नहीं फरीद साहब। बुलुत का शुक्रिया अदा करें पागल। ठीक है आ जाऊंगी मैं आज हम बात करेंगे। ठीक है जल्द मिलते हैं फिर। और वो चाहते हैं कि वहां बजाएं मैं भी जाऊंगी इंटरव्यू के लिए। वेरी गुड यानी एक नया मौका। क्या उन्होंने वाकई कॉल की तुम्हें। हाँ बिल्कुल मैंने उससे कहा था वो मुझसे पूछ भी रहा था कि तुम्हारी नजर में कोई अच्छी आवाज है। बहुत शुक्रिया। आलिया मैंने कुछ नहीं किया ये तुम्हारा अपना नसीब है। मैं तो हमेशा से ही तुम्हारा खैरख्वाह हूँ आलिया। तुमने सबसे ज्यादा मुझ पर यकीन किया। तुम्हें मायूस नहीं करूंगी। पुरानी आलिया जा चुकी है। Thank you.
क्या तुम रेडी हो? रेडी हूँ। सो लेट्स गो। अरे बहुत हवा है ये। तुम मेरे सामने आ रहे हो, तुम चीटिंग कर रहे हो। देखो फिर से क्रॉस कर दिया तुमने, ये चीटिंग है। मैं क्या करूँ, आप बहुत फास्ट चला रहे हैं। चलो हम बोर्ड एक्सचेंज कर लेते हैं। मेरी बोर्ड सीधी नहीं चल रही। ठीक है ये लो, मैं अपनी बोर्ड रोक लेता हूँ, तुम पहले शुरू करो। ठीक है। लेकिन मैं छोटा हूँ, आप इंतजार करें। अरे फिर से चीटिंग, तुम अपनी साइड पर बोर्ड चलाओ ना। मैंने नहीं किया, खुद आपने मारा है मेरी बोर्ड पे। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है ना मामू। हाँ और दिख भी अच्छा रहा है। सैलेड भी तैयार है। नाज़मिया ये क्या है? चीज सैलेड है, सैलेड का सामान रखा हुआ था तो मैंने बना दिया। मैंने मेन्यू में लिखा था कि कौन सा सैलेड चाहिए, फिर आपने उसे क्यों तब्दील कर दिया? मुझे लगा आपको पसंद आएगा। वो क्यों? क्योंकि मैंने कहा था मुझे चाहिए था। अच्छा तो तुमने कहा? नाज़रीन ने कहा मैं बना दूंगी। हाँ ठीक है, अगर तुमने कहा है तो ठीक है, फिर एंजॉय करें आप लोग। क्या आप हमारे साथ नहीं बैठेंगी? नहीं बुलूत, मैं सफाई करूंगी और घर चली जाऊंगी। नहीं जाना, रुक जाए प्लीज। आ जाओ तुम भी खा लो हमारे साथ। ठीक है मैं प्लेट लेके आती हूँ अभी। ये मत सोचना कि तुमने पागल बनाया मुझे। मुझे पता है पनीर की एक किस्म है, और वैसे भी मामू अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे यकीन है तुमने कॉटेज सैलेड का पहली दफा सुना होगा, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है, देखे आपने खा लिया। अरे आप अभी तक आए नहीं क्या? ओहो तुमने तो नई खबर अभी सुनी ही नहीं है। मुझे इंतजार मत करवाएं, क्या हुआ है? तुम्हारी आपा आज शाम फरीद साहब के घर में ज्यादा काम करेगी। वैसे किस तरह का काम करेंगी वो? और समझ नहीं आ रहा कि हर बात मुझे आखिर में क्यों बताई जाती है। मुझे क्या पता सुमन जान, वो घर पर वैसे भी ज्यादा बोलती है नहीं, मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं बताया है। फरीद साहब की शायद कोई मेहमान है, मेरे ख्याल से उनके लिए खाना बना रही है। वैसे मेरी आपा वाकई एक्सीलेंट है, आफरीन है उन पर, उनका तो बम्पर प्राइज निकला है लॉटरी में। खैर मैं सोने जा रही हूँ, सुबह मिलकर तहकीक कर लेंगे। शब बख़ैर। नाज़ली आपा अपनी अम्मी की याद नहीं आती क्या? बहुत आती है, और वो भी मुझे याद करती है। मैं जिस कॉलेज में एडमिशन चाहती थी वो हर जगह नहीं है बुलू, इसलिए हमें अलग रहना पड़ रहा है। मामू नाज़ली आपा कुकिंग स्कूल जाती हैं, लेकिन वो पहले से ही अच्छा खाना पकाती हैं, इन्हें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बुलू, लेकिन सिर्फ अच्छा खाना बनाना काफ़ी नहीं उस जॉब के लिए जो मुझे चाहिए। प्रोफेशनल तौर पर काम करना मुख्तलिफ होता है। आप लोग खाना खाइए, मैं चलती हूँ अब, किचन साफ कर दूंगी मैं। क्या आप ज्यादा देर नहीं रुक सकती यहाँ? बुलूत उनको बहुत काम है, फिर कभी। क्या काम है? मेरा नहीं ख्याल कोई काम है। नहीं है मगर। देखा कोई मसला नहीं है, थोड़ी देर और रुक जाए, क्या हम फिल्म देखें? हाँ ठीक है। नाज़ली आपा और मैं चूज करेंगे फिल्म, समर थिएटर में देखेंगे। ये समर थिएटर कहाँ पे है? कहाँ जा रहे हो बुलूत? मैं बाथरूम जा रहा हूँ। आप बैठे, मैं बड़ा हो गया हूँ, खुद जा सकता हूँ। अच्छा ठीक है, जब तक मैं नहीं आता नाज़ली को उदास नहीं करना।
कितना क्यूट है ये और बहुत अकलमंद भी है। हाँ ये बात है, बहुत अकलमंद है। मुझे यकीन है कि ये बहुत समझदार होगा। मुझ पे गया है, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही था। वैसे मुझे लगता है कि आप बचपन में बहुत शरारती होंगे। अम्मी भी यही कहती थी, उन्हें अच्छी तरह याद है कि बचपन में मैं भी बहुत शरारती था। शरारती तो मैं भी बहुत थी बचपन में, दरख्तों पे चढ़ जाती थी और मेरे घुटने छिल जाते थे। तुम्हें खाना बनाने का शौक कैसे हुआ? अम्मी से, वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। उनको देख के मजा आता था और मैं भी किचन में उनकी हेल्प करती थी। हम एक साथ आटा गूंथते थे, एक के बाद दूसरी चीज, और मेरा शौक बढ़ गया। लेकिन तुम्हें अभी और मेहनत करनी होगी। हाँ इतनी नहीं, जब आप कुछ ऐसा करो जो आपको पसंद है तो फिर वो काम काम नहीं बल्कि मजा बन जाता है, बिल्कुल मेरी तरह। और मैं उससे पैसे कमाती हूँ, अच्छा है ना? काम और खेल को अलग रखना चाहिए। क्या हम कोई बोर्ड गेम खेल सकते हैं? मेरी जान, मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा रुक गई हूँ, अब मुझे किचन साफ करना चाहिए। गुड नाइट। हाँ तारिक जल्द आ जाएगा, बुलुत को छोड़ते वक्त तुम्हें भी छोड़ देगा। उसकी जरूरत नहीं, आपका शुक्रिया। फिर मिलते हैं बुलुत। बाय बाय नागली। जाओ अपना सामान लेकर आओ, जाओ जाओ। ठीक है। शरारती। अरे चलो चलो, ये बताओ क्या कर रही थी इतनी देर? फतोश मैं थक चुकी हूँ, उनका भांजा आया हुआ था, मैंने उस बच्चे को शेक और कुकीज बना के दिए, उसे पसंद आए। और वो बहुत क्यूट बच्चा है, उसके कर्ली बाल हैं और मोटे मोटे गाल हैं। उसी ने रुकने का कहा तो मैं थोड़ी देर और रुक गई, टाइम का अंदाजा ही नहीं हुआ। मौजू तब्दील करने की कोशिश मत करो नाजली, सारा टाइम तुम कुकीज बना रही थी क्या? जल्दी बताओ क्या हुआ? और फिल्म देखी? फिल्म देखी, एक एनिमेटेड फिल्म फतोश। वो पागल बच्चों के साथ बैठकर कार्टून देखता है? वो बच्चों के साथ ऐसा नहीं है, वो उसे बहुत प्यार करता है, उसका बहुत ख्याल रखता है। मैं हैरान हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम्हें अब उससे नफरत नहीं है, तुम पसंद करने लगी हो उसे मेरे ख्याल से। फतोश तुम चुप हो जाओ, फजूल बातें मत करो। मेरा मतलब है वो बच्चों से प्यार करता है, अल्लाह खुश रखे। मैं देख लेती हूँ नाजली, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। काश कि उसके मामू ने कहा होता कि ना जाओ आज, रुक जाओ। फतोश तुम पागल हो चुकी हो, मैं चाय बनाती हूँ। मैंने चाय मांगी थी, तुमने फ्रूट पकड़ा दिए। हाँ जाओ जाओ। क्या लगता है बहुत खुश हो तुम? लगता है कल की शाम बड़ी हसीन थी। ओ आसमान, बहुत कुछ हुआ है। क्या तुम सुनना चाहती हो क्या हुआ है? पहले मैंने खाना बनाया, फिर मैं खाने के लिए रुकी, बहुत मजा आया कल रात को, क्योंकि मैं आमतौर पर ऐसा नहीं करती। ये सारी बातें छोड़े, मुझे असल बात जाननी है। फतोश इसे चुप कराओ वरना मैं इसे मार दूंगी। आसुमन मेरी जान, स्कूल के लिए देर हो रही है, जाओ तुम। आपने तो सारा सस्पेंस खत्म करने की कसम खाई हुई है, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन आप बेइज्जत ना करें मुझे। और वैसे भी स्कूल में मुझे ज्यादा मजा आता है आप लोगों के साथ। बिल्कुल, हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। नाजली अपने बाल भी बनाओ और बताओ कि क्या पहनने वाली हो। यार फतोश तुम तो हाथ धो के पीछे पड़ गई हो, लिपस्टिक मैंने इसलिए लगाई क्योंकि होंठ फट रहे थे। अरे तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हें ये रास आ गया है। अरे नाजली मैं वो हूँ जो इतना अच्छा मौका गवा बैठी हूँ। उस कंपनी में वो दावत वाले दिन एक हॉट बंदे ने मुझे अपना नंबर दिया था, याद है? मैं उसे कॉल करना चाहती हूँ लेकिन मैं उसका कार्ड घुमा बैठी हूँ। कदर करो जो है। चलो निकलो फतोश। देखो ये पहन लो, बहुत खूबसूरत है। नहीं पहनना मुझे, खुद पहनो और जाओ। उफ अल्लाह, ठीक है जो मर्जी दिल चाहे करो। तुम तो आसमान बन गई हो यार।
बहुत दिलचस्प। मैंने कहा था खाना खराब हो जाएगा, बाहर मत रखना। आपकी शक्ल भी खराब है। बहुत अच्छा है ये। मेरे घर को पहले की तरह कर देना, बिल्कुल पहले की तरह। एक बड़े आदमी को काम करने वाले की परेशानियां कैसे समझ आएंगी? ये हो गया पहले की तरह। पार्टनर, मैंने जो सुना है उसके मुताबिक घर का खाना 5-स्टार रेस्टोरेंट को भी पीछे छोड़ गया है। बुलुत ने बताया ना, उसने उसे कॉटेज सैलेड खिलाया है दोस्त, कॉटेज सैलेड जो उसने आज तक कभी नहीं खाया। और हाँ फरीद, बुलुत को वो लड़की पसंद है। पार्टनर मुझे कल बहुत काम है, नाकातानी भी कल आ रही है, कल बहुत सारा काम बचा हुआ है। तुम्हें पसंद करते हैं दोस्त, और तुम्हें नजर नहीं आता, और कंपनीज उसको सुबह शाम ऑफर्स देती रहती हैं, और पता है वो आदमी क्या करता है? हमारी कंपनी को चुनता है। ये वजह नहीं कि वो मुझे पसंद करता है, हमारे काम और हमारी लॉयलिटी की वजह से वो हमारे साथ है। हाँ मुझे मालूम है, नकदानी की पार्टनरशिपिंग से कोई नुकसान नहीं है हमें। मसला मेरा मतलब है तुम्हारा मसला घर में मौजूद मुलाजिम से है। खैर, मुझे खुशी है कि तुम्हें मुस्तकिल एक बावर्ची मिल गया। मुस्तकिल है या नहीं ये उसके काम पे निसार करता है। सोचो जरा तुम, अगर उसने घर के कानून को तोड़ा तो उसका क्या होगा? उसकी नौकरी मुश्किल है फरीद, ये बात तो हम सबको मालूम है। मेरी तरफ देखो, खाना अच्छे से खाना और तारीफ भी कर देना। चलो अब मैं लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा आसुमान, आपा मेरा दिल टूट गया। खुश होने के बजाय आप तो मुझे ऐसे देख रही हैं जैसे मैंने आपका काम बिगाड़ दिया हो। तो क्या हुआ अगर मैं यहाँ आ गई हूँ? लड़की, ये तुम्हारे किसी दोस्त का घर नहीं है जो बैल बजाया और अंदर घुसी आई। ध्यान से देखो आसुमान, ये काम की जगह है, और अगर तुम्हारा इतना दिल था तो सुबह मेरे साथ क्यों नहीं आई? मैंने यहाँ आने का बाद में डिसाइड किया, और अगर मैं कहती आपा मुझे भी साथ लेकर चलें तो आपने कौन सा लेकर आना था? मुझे फौरन मना कर देती। आसुमान तंग मत करो। ठीक है मैं अभी चली जाती हूँ और वापस नहीं आऊंगी। अब देखते हैं कि ये फरीद साहब हैं कौन और कैसा रहन सहन है। लड़की, एक जगह बैठ जाओ तुम यार। वाओ, फरीद साहब का इंटरेस्ट तो रिकॉर्ड्स में है। आसुमान, हिम्मत ना करना उन्हें छूने की। बिल्कुल नहीं, आपा सिर्फ देख रही हूँ, कुछ नहीं कर रही। हाँ बोलो फतूश। बताओ जरा कि एंगिन का दोस्त कौन है? अब ये कौन है फतूश? तो ये है फरीद साहब का बेडरूम। क्या नजारा है यार। फतूश, अभी मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकती। प्लीज सुन लो, मैं मर जाऊंगी अगर नहीं बताया तुम्हें। तो मैंने हाँ, तो बस इसी वजह से मुझे एंगिन को फोन करने से डर लग रहा था। एंगिन और मैं, फरीद और तुम, देखो यार अब मसला मत बनाना तुम। परेशान मत हो, कोई मसला नहीं है। तुम अपनी मर्जी से एंगिन के साथ घूमो, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती। फरीद साहब आज मुझे नौकरी से निकाल ही देंगे। आसुमान कहाँ हो तुम? आसुमान कहाँ हो? ये आसुमान आज मेरी जान ले लेगी। मुझे नहीं पता यार। फतूश, मैं बाद में बात करती हूँ। पता नहीं ये लड़की कौन सी शरारत कर रही है।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाथरूम गई थी मैं। यहाँ आने के लिए भी मना है क्या? आप तुम्हें पूछना चाहिए, बगैर बताए क्यों आई? मुझे मुसीबत में मत डालो। मुझे नीचे वॉशरूम नहीं मिला, इसीलिए ऊपर आ गई मैं। अगर तुम मुझसे पूछती तो मैं तुम्हें बता देती कि वॉशरूम कहाँ है। मैंने कौन सा क्राइम कर दिया है? बिल्कुल। आपा, मैं आपको ये बता दूं कि आज रात में घर लेट आऊंगी। आप तो जानती हैं कि नजला का बर्थडे है, मैं वहां जाऊंगी। मेरे पास चाबियां हैं, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है? आसुमान, तुम्हारी हरकत एक दिन मुझे पागल कर देंगी। ओ, मेरी इकलौती, मेरी प्यारी बहन। पागल? आपा, अगर आज रात के लिए आप मुझे कुछ पैसे दे देंगी तो मैं उसके लिए गिफ्ट ले लूंगी। अब मैं समझी तुम यहाँ क्यों आई थी आसमान। ओफ आसमान ओफ, आप सबसे बेस्ट हैं। देखो, वादा कर रहा हूँ किसी तरह वो रिकॉर्ड दिला दूंगा, ठीक है? तुम्हें नहीं पता कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत खुशी होगी मुझे। दोस्तों, आज ब्लेंड आउट जा रहा हूँ, कोई मेरे साथ आना चाहता है तो आ सकता है। रुको 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 रुको, ब्लेंड आउट ना, ये कहा ना इसने? मेरी तरफ देखना, क्या ये रोजाना नई जगह खोलते हैं? मुझे तो यही लग रहा है। बिल्कुल फजूल जगह है, अमीर लड़कों के पीछे लड़कियाँ पड़ जाती हैं खामखा। हाँ, तो यही तो मैं चाहता हूँ कि लड़कियाँ मेरे पीछे पड़े, जब भी तो जा रहा हूँ मैं वहाँ। अच्छा मजाक था ये भी ना। अनकरा में दो सरमायाकार आ रहे हैं, वो वहाँ मिलना चाहते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से जो सरमायाकार भी वहाँ जाए वो बुरा है। मैं उस जगह का सोच के बहुत ज्यादा तजस्सुस में हूँ फरीद। कम से कम 10 मिनट तो गुजारूंगा मैं वहाँ पर, जाके मुफ्ता तोड़ना है मैंने। इस तरह मुझे ना देखो फतोश, मैं आसुमान की लापरवाही से बहुत परेशान हूँ। देखो, आज रात वो बाहर भी जाने वाली है नजला के साथ, पता है? हाँ। उसे ऐसी जगहों के लिए पैसे कहाँ से मिलते हैं नाजली, क्या तुमने कभी सोचा है? वो भी ब्लैंड आउट जैसी जगह। मुझे क्या पता, लड़की क्या उसके पास इतने पैसे हैं कि वो ब्लैंड आउट जा सके? उठो उठो। क्या हुआ यार? यार, उसका दिमाग अभी हवाओं में है। हमें पता करना होगा कि कौन है वो, किसके पैसों पे घूमती है और किसके साथ। मतलब पीछा करे उसका, ठीक है? चलो, वैसे भी मेरा हवा खाने का दिल कर रहा है। और ताज़ा हवा भी मिल जाएगी, वैसे भी मेरे इस घर में दम घुट रहा है। बाहर जाकर नए चेहरे देखेंगे तो अच्छा लगेगा। चलो, अब हम तैयार होने वाले हैं, जल्दी से फौरन तैयार हो जाओ तुम भी। फतोश, हम ऑलरेडी तैयार हैं, चलो चले। नाजली, क्या वो तुम्हें इस लिबास में अंदर दाखिल होने देंगे? क्या मसला है इसमें, ठीक तो है? हाँ ठीक है, लेकिन वो इस हालत में तुम्हें नहीं घुसने देंगे क्लब में।